नमस्कार, मैं स्वाति एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से मिले युवकों के शव। रविवार गांगजी राजा में दो पिकनिक मनाने गए थे चार युवक। लांजी क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गांगजी राजा गए दो युवक के लापता होने की खबर 16 अप्रैल को शाम करीब 5 से 6 बजे के मध्य प्राप्त हुई थी, जहां परिजनों के द्वारा पुलिस थाना पहुंचकर गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिनके शव आज सुबह बालाघाट में पहुंचे। गोताखोरों की टीम ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकालने में सफलता हासिल की है। मौका स्थल पर SDOP लांजी दुर्गेश आर्मो, थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी, RI भूपेंद्र अहिरवार, दिग्विजय परस्ते, नायब तहसीलदार और मृतक युवक के परिजन मौजूद हैं। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार इटोरा निवासी ज्ञानेश, पिता राजकुमार घोरमारे, उम्र 19 वर्ष, अजय, पिता शेषराम घोरमारे, उम्र 22 वर्ष, अपने साथी अनाराम, पिता दीनाराम घोरमारे, दुर्गेश, पिता प्रकाश घरते एवं साथ में दो अन्य 10 से 12 वर्ष के बच्चों के साथ 16 अप्रैल को गांगजी राजा गए हुए थे। सभी लोगों ने गांगजी राजा में पूजा अर्चन कर खाना खाकर बैठे थे, तभी तकरीबन 1 से 2 बजे के मध्य ज्ञानेश घोरमारे उम्र 19 वर्ष, अजय घोरमारे उम्र 22 वर्ष ने अन्य साथियों से कहा कि हम लोग घूम कर आते हैं। साथियों के द्वारा दोनों को बोला गया अभी खाना खाए हैं, थोड़ी देर आराम करने के पश्चात चलते हैं, लेकिन दोनों नदी की ओर निकल गए, लेकिन शाम होने तक दोनों ही युवक वापस नहीं लौटे। तब अन्य साथी दोनों को ढूंढते हुए सोन नदी के समीप पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि नदी के बीच स्थल पर एक पत्थर में दोनों युवकों के कपड़े और मोबाइल रखे हुए पाए गए। संदेह व्यक्त किया गया कि दोनों ही युवक नदी में नहाने गए हुए होंगे एवं डूब गए हैं, जिस पर युवकों के परिजनों को खबर की गई। परिजन अन्य ग्राम के ग्रामीणों के साथ गांगजी राजा उस स्थल पर पहुंचे, जहां पर दोनों युवक के कपड़े, मोबाइल, अन्य सामग्री थी, लेकिन नदी सहित अन्य जगहों में तलाशी करने के बाद भी युवकों का पता नहीं चल पाया था। वहीं रात अधिक होने तथा नक्सली क्षेत्र में होने के चलते दोनों युवकों का रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था, जिन्हें आज सुबह बालाघाट से आए गोताखोरों द्वारा निकाला गया है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। जो आज कार्रवाई की गई क्या है इसकी, पूरा कार्रवाई का कल शाम को 7 बजे इंसान हुआ था, लांजी में सूचना आई थी कि दो बच्चे हैं टोरा के, अपने कुछ चार दोस्तों के साथ गांगजी राजा मंदिर जो है वहाँ पर आए थे कुछ आए चुके से सुबह 9 बजे कल, तो और करीब 2:30 बजे तक आए, उसके बाद जो है दो बच्चे मिल नहीं गए। तो हमने चार बच्चों से पूछताछ की, उनके अन्य साथ में उनको बता रहा था कि यहाँ वो नहाने के लिए आए थे, करीब गहराई वाले स्थान पर चले गए, उसके बाद उनको कोई पता नहीं चला। मतलब क्षेत्र का जिस वजह से हम कल रात में रश के ऑपरेशन नहीं कर पाए थे, आज सुबह हॉकी टीम और जो SDRF की टीम है वो आई मौके पर, और लगभग 2 से 2.5 घंटे अपने खुले यहाँ पर नदी में सर्च ऑपरेशन किया, उसके बाद दोनों जो है बच्चों को सबक रूप में बरामद किया। सर कल कितने बजे डूबे थे यहाँ से? कुछ 4 बजे लोग यहाँ से जाना बता रहे थे, तो 4 बजे के संभवतः पहले ही लोग डूब गए। तो अभी सर इसको निकालने के बाद क्या कार्रवाई? हाँ, परिजनों से और जो इनके रिलेटिव है उनसे शिनाख्त की कार्रवाई के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है पुलिस की, सब पंचायतनामा और PM के लिए भी किया जाएगी, वही सभी कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। फिर जहाँ मिट्टी है थोड़ा मिट्टी फेरन से वो करना, ठीक है।